आज मैं बनाऊंगी ये वाला डोरमेट। इसके लिए मैंने दो कलर लिए हैं और ये मैंने छोटा बनाया। इसमें मैंने 10 फंदे डाले हैं। आप इसको 40 फंदे का भी बना सकते हैं, 60 फंदे का भी बना सकते हैं। और इसमें वैसे तो और फंदे पड़ते हैं, लेकिन मैंने साइड से एक फंदा उतारा है, इसलिए मैंने पेयर के हिसाब से फंदे डाले हैं इसमें। और आप जितना बड़ा बनाना चाह रहे हैं, अगर आप उतारना नहीं चाह रहे हैं तो इसमें और फंदे भी डाल सकते हैं। और देखिए, इसमें मैंने 10 फंदे डाले हैं। पहला फंदा मैं इस तरह से उतार लूँगी, धागा आगे करूँगी इस तरह से, दो तीन चार पाँच छ सात आठ। देखिए, एक हमारा ये फंदा है, एक ये है, 10 फंदे हो गए पूरे। 8 मैंने ये इस तरह से बुन लिए हैं, एक उतार लिया है। देखिए, मैं इस फंदे को नहीं बुनूंगी, एक फंदा छोड़ दूंगी, वापस इसको पलट लूंगी। देखिए, इधर मुझे कुछ नहीं करना है, इस साइड जिस साइड हमारी ये साइड रहेगी, इस साइड मुझे कुछ नहीं करना है। वापस सेकंड रो, देखिए एक फंदा मैं फिर छोड़ दूंगी, वापस इसको इस तरह से इधर करूंगी। देखिए एक फंदा फिर छोड़ दूंगी मैं, वापस इसको आगे इस धागा पलट के और इसको टर्न कर लूंगी इस तरह से। देखिए, देखिए यहाँ से फिर धागा आगे किया, एक फंदा उतार लिया। देखिए एक फंदा फिर छोड़ दूंगी, यहीं से पलट लूंगी। देखिए फिर मैंने आगे किया और पलट लिया इसको, एक एक फंदा छोड़ते हुए। मुझे जितने फंदे आप बना रहे हैं, जितने फंदे का भी बनाएं आप, एक एक फंदे छोड़ते हुए लास्ट तक। देखिए, ये एक फंदा हमारा बचा है इसमें। देखिए, इसको मैं इस साइड इस तरह से, लास्ट हमारा, अब यहाँ से मैं देखिए कलर चेंज करूँगी। ये मैंने इतना एक पार्ट बुन लिया है, एक आधी कली इतनी बना ली है यहाँ से इतनी। अब मैं यहाँ से कलर जोड़ूँगी, तो मैं सेम कलर जोड़ रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, यहाँ से मैं कलर जोड़ लूँगी दूसरा कलर।
देखिए, एक तो मैं यहाँ पे उतरा वाला फंदा बनाऊंगी, एक फंदा और बनाऊंगी, दो फंदे यहाँ पे बना के, और देखिए धागा आगे करके इसको मैं इतने ही यहाँ से एक रो इतनी बना लूँगी। देखिए इस तरह से ये दो फंदे बना लिए मैंने। अब देखिए इसको मैं इस तरह से उतारूँगी, इसको आगे करूँगी और इस वाले को साथ में ले जाऊँगी, आगे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए अभी मैंने दो फंदे बुने थे, अब मैं एक फंदा इसमें से और ले लूँगी, वापस इसको यहीं से पलट लूँगी इस तरह से। देखिए अब ये तीन फंदे मैंने यहाँ पे हो गए हमारे। देखिए एक फंदा और ले लूँगी, हर उल्टी सिलाई में एक फंदा मुझे। देखिए अब मैं इस धागे को आगे इसमें फंसाते हुए ले जाऊंगी आगे। देखिए अब मैं एक फंदा इधर से और बुन लूंगी इस तरह से। पलट लूंगी, देखिए हमारा ये एक कोना बन के तैयार होने लग गया है इस तरह से। देखिए इस फंदे को उतारूंगी, धागा आगे करूंगी, हर उल्टी सिलाई में मुझे एक फंदा इधर से ग्रीन में से बुनना है। देखिए इसमें से एक फंदा ये बुन लिया मैंने इस तरह से, इसको पलट के। देखिए एक फंदा और ले लूंगी इस तरह से। देखिए हमारा धागा यहाँ से इस तरह से मैं रख के इसको इस तरह से बना लूंगी। देखिए इसको उतारूंगी यहाँ से इस तरह से, इसको यहाँ रख लूँगी और इस आगे फंदे को बना लूँगी ताकि ये धागा हमारा आगे जाए। देखिए एक फंदा और इसको पलट लूँगी। देखिए मैं इस तरह से बुनते हुए लास्ट फंदे तक आ गई हूँ, ये मैंने लास्ट फंदा बुन लिया इस तरह से। देखिए ये हमारा सीधा है। अब देखिए मैं लास्ट सिलाई, लास्ट जो फंदा बुनूंगी उनमें मैं इस तरह से सारे फंदे बुन लूँगी। देखिए एक कली हमारी ये बनके तैयार हो गई है, एक एक कोना ये इतना यहाँ से यहाँ तक। अब मैं यहाँ से इस दूसरे कोने को स्टार्ट करूँगी। देखिए इस तरह से दो कोनों में ये आधा बन जाता है, और उसी यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। एक कोना मेरा यहाँ ख़त्म हुआ, दूसरे में ये आधा बन गया, फिर ये इधर टर्न आ गया, उसके बाद ये आ गया, ये पूरा हो गया। ये मैंने सिला नहीं है आपको दिखाने के लिए। देखिए अब मैं यहाँ से, देखिए बनाते हुए आई हूँ, अब मैं यहाँ से ये सारे फंदे ग्रीन से बुन लूंगी यहाँ तक। इस तरह से
देखिए ये मैंने बुन लिए। अब मैं एक रो इधर से सारे फंदे बुनते हुए जाऊंगी। देखिए अभी मैंने कि जब ये स्टार्ट किया था तो यहाँ से छोड़ना स्टार्ट किया था मैंने, एक एक फंदा छोड़ते हुए यहाँ तक आई थी। जब मैंने इस कपड़े इस धागे को लगाया तो मैं यहीं से एक एक फंदा आगे को बढ़ाने लग गई। अब देखिए ये मैंने यहाँ से जब दूसरी कली स्टार्ट करूँगी तो मैं यहाँ से छोड़ूँगी एक एक फंदे, और इसके बाद जो ये वाला धागा लगाऊँगी उसमें मैं यहाँ से बनाऊँगी। इस तरह से इसको, इसमें आप कन्फ्यूज़न नहीं हो जाएँ। देखिए एक फंदा मैं छोड़ दूंगी यहाँ से, वापस इसको इसी तरह से मैं ये चारों कली मैंने बना के कंप्लीट की हैं। देखिए ये इस तरह से एक आ गया यहाँ तक। जब ये वाली कली पूरी होगी तो ये यहाँ तक आ जाएगा ये ऐसे, फिर उसके बाद ये यहाँ तक, उसके बाद ये पूरा चारों कली में यहाँ तक देखिए पूरा आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए मैं इसमें मैंने ये फंदे, देखिए जितने फंदे का आप बनाएंगे उतने फंदे आपके पास यहाँ होंगे। फंदे कम ज़्यादा हैं इसमें नहीं करने हैं, उतने फंदे सारे आपके पास रहेंगे जितने आप 40 का बना रहे हैं, जितने का बना रहे हैं आप 60 का बना रहे हैं, जो भी होंगे आपके पास पूरे फंदे रहेंगे यहाँ पे। देखिए इन फंदों को मैं उतार लूँगी इस तरह से दो का एक करते हुए। आप चाहें तो इनको खोल के भी सिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिक्कत होएगी कपड़े में, ऊन का हो तो हो जाता है आसानी से। देखिए ये हमारा सिल के यहाँ से देखिए ये इस तरह से जुड़ जाएगा यहाँ से, और देखिए इस तरह से कंप्लीट इसको कर लेंगे। ये थोड़ा सा होल है इसको अंदर की साइड से बंद कर देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।